एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपको पता है, दो तीन दिन से मेरे ये पक चुका है नोज पेन। डाली थी आपको पता है लास्ट वाले व्लॉग में, वो सुंदर तो बहुत लग रही थी बट मेरे पक चुका है, ब्लड निकल रहा था बहुत, पक अच्छी तरह पक चुका है और इतना पेन हो रहा था। मैंने निकाल के रख दी और निकलने, इतना दर्द हुआ है निकालने में कि मैं बता नहीं सकती, बहुत पेन हो रहा था। और इसमें मेरा आज तो बहुत ठीक है ही, इसमें ब्लड निकलने लग गया था, नोज पेन मैंने निकाल दिया और वो ना टाइट इतना हो रहा था कि मैं बता ही नहीं सकती, इतना ज़्यादा टाइट था कि मैं बता नहीं सकती। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं चेंज करके लेकर आऊँगी और 15 डेज़ के अंदर अंदर आप कैरेटलाइन से जो भी परचेज़ करते हैं तो 15 डेज़ के अंदर अंदर आप चेंज करके कुछ और परचेज़ कर सकते हैं, एक रुपये भी नहीं कटेगा। तो मैंने डिसाइड किया है कुछ तो लेकर आना है, या रिंग देखूंगी या मैं इयर रिंग देखूंगी या ब्रेसलेट देखूंगी। तो वहाँ चलते हैं कैरेक्टर में और मैं वहाँ वीडियो बनाऊंगी, तो ठीक है, नहीं तो मैं दिखाती हूँ आपको क्या लेकर आऊँ। सो गाइस, यहाँ पे हम कैरेटलैंड आ गए थे, वेगस मॉल में कैरेटलैंड है। वैसे तो बहुत जगह जगह खुला हुआ है कैरेटलैंड बट मैं वेगस मॉल से लेती हूँ क्योंकि वेगस मॉल में और भी चीज़ें हम शॉपिंग कर सकते हैं, इसलिए मैं वेगस मॉल ही आती हूँ सीधा कुछ भी परचेज करने आना होता है तो। बाकी तो और भी बड़े बड़े शोरूम खुले हुए हैं हमारे यहाँ पे, आप देख सकते हो। इयर रिंग मेरे को इनमें से ही चूज़ करना था तो, क्योंकि मेरा बजट इतना ही था जो मैं लेकर आई हूँ। आप बताना मैं जो लेकर आई हूँ वो कैसा लगा, अभी आगे आपको दिखाऊंगी क्योंकि मैंने क्या परचेज़ किया है। ये इयर रिंग की कलेक्शन बहुत ही अच्छी अच्छी, सॉलिटेयर भी थी बट मेरे को सॉलिटेयर नहीं लेना था, सॉलिटेयर मुझे लेना है बट कुछ टाइम बाद लेना है। और आप देख सकते हो कितनी सुंदर सुंदर कलेक्शन होती है ना इनके पास, और 14 कैरेट में होती है और 16 कैरेट में, 18 कैरेट में होती है। तो मोस्टली डायमंड आपको 18 कैरेट और 14 कैरेट में मिलता है गोल्ड में। तो आप ही देख सकते हो, ये मेरे को बहुत ही पसंद आ रहे थे जो आपको छोटे छोटे, और मेरे को ना साइज़ जो मैंने लिया है ना वो उतना ही साइज़ पसंद है। मेरे को जो चीज़ पसंद आ गई थी मैं उसका पेमेंट कर रही थी, उसके बाद मैंने सोचा कि पूरी तो वीडियो क्या बनाऊँ, क्योंकि थोड़ी बहुत जो क्लिप ली है वो क्यारा ने ली थी और बाकी की थोड़ी सी मैंने ली है। ये देखो कितने सुंदर सुंदर कलेक्शन है, और ये थोड़े बजट से बाहर थे इसलिए मैंने ये नहीं लिया। और हाँ, मैं ऐसे पहनती भी नहीं हूँ, पसंद है पर पहनती नहीं हूँ मैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है नेक्स्ट डे, जो मैंने सोचा दोबारा से स्टार्ट कर दी होगी ब्लॉग की, जो कि आपने शुरुआत देखी होगी मेरे ब्लॉग की, जो मेरे ये नोज़ पे बहुत ही बुरा वो रहा एक्सपीरियंस। तो मैंने तो सोचा कि मैं नहीं पहनने वाली हूँ, और बहुत सुंदर था पर वो ना अंदर गड़ रहा था, अंदर ऐसे करके हो रही थी मेरी नोज़। तो फिर फाइनली मैंने सोचा कि मैं नहीं पहनूँगी, बाली वगैरह मेरे ऊपर अच्छी नहीं लगती है, वो मुझे पहननी भी नहीं है। और अभी मैं नहा के निकली थी और मैंने सोचा ब्लॉग करती हूँ कंटिन्यू और आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेकर आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, चलो। सो गाइज, आपको पता ही है मैं कैरेटलाइन से परचेज़ करके लेकर आई थी नोज़ पिन, जो कि मेरे नोज़ को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई ना कि मैं बता नहीं सकती, उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी और पक गया था। तो मैं लेकर आई हूँ कैरेटलाइन से, अभी खुल नहीं रहा है, मैं दिखाती हूँ, चलो। एक हाथ से वीडियो बना रही थी इसलिए नहीं खुल रहा था। तो ये मैं लेकर आई हूँ इयर रिंग, डायमंड इयर रिंग जो हार्ट शेप में है, और मुझे ज़रूर बताना ये कैसे लगे। मैं उसको एक्सचेंज करके, मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था, नोज़ पिन लेनी नहीं थी, नोज़ रिंग लेनी नहीं थी, तो इसलिए मैंने ये लिया। सो गाइज, आप बताना ज़रूर, मैं ना पहन के भी दिखाती हूँ, तो मैं सोचा आपको पहन के दिखाने से पता लग जाएगा कैसे आपको ये बताना ज़रूर कैसा लगा ये सारी चीज़, मतलब सारी चीज़ मतलब इयर रिंग, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और रेगुलर वीडियो आएगी अब, क्योंकि अब फेस्टिवल आने वाले हैं, मेकअप वीडियो डालने वाली हूँ यार थोड़े दिन में पक्का, क्योंकि मेकअप वीडियो मेरे को बहुत बहुत रिक्वेस्ट आती है कि आप प्लीज़ इसके बारे में बताओ। और हाँ, क्रीम के बारे में बहुत ज़्यादा बोलते हैं लोग कि आप प्लीज़ नाइट क्रीम के बारे में बताइए, जो मैं अभी बस कुछ टाइम बाद मैं रिव्यू देने वाली हूँ बस। तो स्टे ट्यून, और मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।